नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज इन्फो में तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं सारा इंडिया परिवार के सिलसिले में। तो मैं आपको बता दूं, सारा इंडिया परिवार में अगर आपका भी पैसा फंसा है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी काम की खबर है। सहारा के इन्वेस्टर्स के लिए सरकार ने लोकसभा में ये जानकारी दी है कि सहारा इंडिया में जो पैसे लगाने वालों की संख्या करोड़ों में है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि सहारा समूह की विभिन्न इकाइयों में 1.2 लाख रुपए के करीब 13 करोड़ निवेशक फंसे हुए। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न में लिखते हुए उत्तर में ये जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्री ने ये जानकारी देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और सहारा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस बीएन अग्रवाल ने सलाह करने के बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने निवेशकों को बताने वाली कई विज्ञापन दिए हैं। पैसा निकालने के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, जहां सारा की कई इकाइयों में करीब 13 करोड़ निवेशक के 1.2 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। इससे पहले बाजार नियामक सेबी ने सारा ग्रुप की 2 कंपनी सहारा कॉमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को मंजूरी दी थी। सुब्रत रॉय और 3 अन्य पर 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। स्वेच्छा से पूर्ण परिवर्तनीय डिवेंचर जारी करने में नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए 2008 और 2009 में जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों ने भी इस साल लगातार अलग अलग जगहों पर अपने रिफंड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल सहारा में फंसे पैसे के रिफंड को लेकर देश में करोड़ों निवेशक परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।